अब दोस्तों अगला जो सांगता का पद है वो है मोलरता। पहले मोलरता की परिभाषा देख लेते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। तो मोलरता का तात्पर्य होता है कि 1 लीटर विलयन के अंदर विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका सूत्र, तो इसका सूत्र है दोस्तों मोलरता बराबर विलेय के मोल डिवाइड बाय विलयन का आयतन। तो मोलरता का सूत्र हो गया विलेय के मोल डिवाइड बाय विलयन का आयतन। दोस्तों एक बात है यहां पे नोटिस करने वाली कि विलयन का आयतन जो है वो लीटर में होना चाहिए। अगर आपके विलयन का आयतन लीटर में नहीं है तो फिर सूत्र होगा विलेय के मोल डिवाइड बाय विलयन का आयतन। अगर आपका आयतन ml में है, मिलीलीटर में है, तो उसको आपको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग लगाना पड़ेगा यहां पर, जो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा और सूत्र बन जाएगा विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन गुणा 1000। 1000 1000 से गुणा तब करना है जब आपका विलयन का आयतन ml में हो। अगर लीटर में है तो आपको किसी से भी गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है दोस्तों मोलरता। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उस न्यूमेरिकल से समझते हैं कि मोलरता पे प्रश्न कैसे आता है। तो आपके सामने प्रश्न है, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, जो आंकिक प्रश्न में आपको चीजें गिवन है पहले उनको लिख लीजिए। तो लिखते हैं, दिया है 5 ग्राम NaOH, NaOH विलेय है, तो हमें विलेय का भार दिया है और वो है 5 ग्राम। 450 ml विलयन में घुला हुआ है तो विलयन का आयतन दे दिया हमको। विलयन का आयतन दोस्तों है 450 ml। अब हमें निकालना है मोलरता। ठीक है, मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन तो हमको दिया गया है और क्योंकि ml में दिया हुआ है इसलिए हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। परंतु जो चीज हमको डायरेक्टली नहीं दी गई है वो है विलेय के मोल। विलेय के मोल भले ही आपको नहीं दिए हो बट आपको विलेय का भार दिया है। और जैसा मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि मोल का सूत्र याद रखना है दोस्तों भार अपॉन अणुभार। तो अगर आपको NaOH के मोल चाहिए तो उसका भार, भार कितना है 5, डिवाइड बाय आपको NaOH का अणुभार निकालना है। तो अब अपन NaOH का अणुभार निकालते हैं। NaOH में सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो NaOH का अणुभार आ रहा है 40। तो भार हो गया 5, अणुभार हो गया 40। सॉल्व कर लेंगे यहां से जो मोल निकल के आ रहा है वो है 1/8। अब देखिए दोस्तों, अब हमारे पास विलेय के मोल है, विलयन का आयतन है। अब आपको सीधा मोलरता का सूत्र लगाना है। तो मोलरता बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल कितने आ चुके हैं 1/8, विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन ml में है इसलिए हमको 1000 से गुणा करना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो है 0.278। और अगर आपको इसका मात्रक देखना हो तो इसका मात्रक क्या होगा दोस्तों, मोल के लिए हम मोल लिखते हैं और इसका है लीटर। तो इसका आयतन हो गया मोल प्रति लीटर। आप कंफ्यूज नहीं हो कि सर यहां तो आपने ml लिया है, इस ml को मैं कन्वर्ट कर चुका हूं लीटर में 1000 से गुणा करके। ये यहां पर आप ml में रख रहे हो बट कन्वर्ट हो चुका है वो 1000 उसमें लीटर में, क्योंकि मैंने 1000 से उसको भाग कर दिया है इनडायरेक्टली। तो यूनिट तो वही रहेगी, मोल पर लीटर। तो ये आपका जो है उत्तर हो जाता है। क्लियर? तो ये दोस्तों था मोलर।